वेलकम टू माई YouTube चैनल कुकिंग विद हना। आई होप यू ऑल आर फाइन एंड एंजॉइंग माई वीडियोज। नाउ आई एम गोइंग टू मेक माई न्यू डिश, लेट्स स्टार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं बीफ की तहारी बनाऊंगी, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है। इस रेसिपी को आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा। जिसके लिए मैंने 1 किलो बीफ का गोश्त लिया है, रवास वाला गोश्त लिया है, क्योंकि रवास वाले गोश्त की बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है बीफ की तहारी। आप लोग रूखा भी ले सकते हैं। 2 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है, 1 टेबल स्पून सॉल्ट, 2 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर, 1/2 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून पिसा हुआ ज़ीरा, 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर, 1 टेबल स्पून गरम मसाला पाउडर। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। बहुत ही ज़्यादा खुशबूदार गरम मसाला। इस रेसिपी को आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा। होममेड गरम मसाले पे वीडियो बनाई हुई है मैंने, आप लोग देख सकते हैं। 1 कप दही लिया है, 2 मीडियम साइज़ के आलू लिए हैं, ये ऑप्शनल है, आप लोग चाहे तो डाल सकते हैं। वैसे बीफ की तहारी में आलू भी बहुत मज़ेदार लगते हैं खाने में। 1/2 किलो टमाटर लिए हैं, इसको मैंने धोकर बारीक काट के रख लिए हैं। 2 मीडियम साइज़ की प्याज लिए, इसको बारीक काट लिए। अब हम तहारी बनाना स्टार्ट करते हैं। चूल्हा मीडियम फ्लेम पर है। अब मैं इसमें ऑयल ऐड करूँगी। देखिए भगोना प्रीहीटेड है, अब मैं इसमें मस्टर्ड ऑयल ऐड करूँगी। देखिए मैंने मस्टर्ड ऑयल ऐड कर दिया है। अब ऑयल को पहले अच्छा से गर्म होने देंगे, फिर इसमें मैं प्याज शामिल करूँगी। देखिए ऑयल अच्छे से गर्म हो गया है, अब मैं इसमें प्याज शामिल करूँगी। मैं मस्टर्ड ऑयल यूज़ कर रही हूँ, आप लोग चाहें तो कोई और ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। प्याज को गोल्डन ब्राउन फ्राई कर लेंगे। प्याज का अच्छा सा कलर आ जाए गोल्डन ब्राउन, फिर हम इसे निकाल लेंगे। देखिए मेरा चूल्हा मीडियम फ्लेम पर है, मीडियम फ्लेम पे से फ्राई करेंगे प्याज को। देखिए प्याज को फ्राई होते हुए 5 मिनट हो गए हैं, अभी प्याज का गोल्डन ब्राउन कलर नहीं आया, तो अभी इसे हम और फ्राई करेंगे। देखिए प्याज रेड हो गई है, अब मैं इसे निकाल लेती हूँ। प्याज मैंने निकाल ली है, अब मैं इसमें 2 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करूँगी। अब मैं इसमें बीफ शामिल करूँगी। अदरक लहसुन को जलने नहीं देंगे, फौरन हम इसमें बीफ शामिल कर लेंगे। बीफ डालने के बाद 1-2 मिनट तक इसे अच्छे से मैंने भून लिया है। अब मैं इसमें स्पाइसेस शामिल करूँगी। अब इसमें मैं 1 टेबल स्पून सॉल्ट शामिल करूँगी, 2 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर, 1/2 टीस्पून हल्दी, 1/2 जीरा शामिल करेंगे। धनिया पाउडर शामिल करेंगे। गरम मसाला पाउडर शामिल करेंगे। अब इसको अच्छे से भून लेंगे, स्पाइसेस के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। चूल्हा मीडियम फ्लेम पे रखा हुआ है मैंने, तेज़ आंच पे नहीं फ्राई करेंगे, गोश्त जल जाएगा। मीडियम फ्लेम पे हम इसे भूनेंगे 1-2 मिनट। देखिए मैंने 1-2 मिनट तक के गोश्त को अच्छे से भून लिया है। देखिए अब मैं इसमें टमाटर शामिल करूँगी। टमाटर शामिल करने के बाद इसको मैं अच्छे से टमाटर के साथ भून लूँगी। इसे 2-3 मिनट तक के टमाटर के साथ भूनेंगे हम। चूल्हा मीडियम फ्लेम पर है, मीडियम फ्लेम पर इसे भूनेंगे। देखिए टमाटर को 2-3 मिनट तक के भून लिया है, टमाटर का पानी छूट गया है।
अब मैं इसे 1 घंटे तक के गोश्त सॉफ्ट होने तक के ढाप पे रख दूँगी, जब तक गोश्त सॉफ्ट हो जाए। देखिए अब मैं इसे गोश्त सॉफ्ट होने तक के ढाप के रख दूँगी। देखिए गोश्त को गलते हुए 1 घंटा हो चुका है, अब मैं चेक करती हूँ। देखिए गोश्त भी बिल्कुल सॉफ्ट हो चुका है, 1 घंटा हो गया है, और टमाटर भी बिल्कुल सॉफ्ट हो चुके हैं। अब मैं इसमें दही शामिल करूँगी, 1 कप दही शामिल करूँगी इसमें। दही डालने के बाद इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। देखिए मैंने धनिया पुदीना हरी मिर्चें ली हैं, हाफ में यखनी में शामिल करूँगी और हाफ में दम पे डालूँगी। देखिए इसमें अब मैं धनिया पुदीना हरी मिर्चें शामिल करूँगी, हाफ में यखनी में शामिल कर रही हूँ और हाफ में दम पे डालूँगी। देखिए अब मैं इसे मिक्स कर लूँगी धनिया पुदीना शामिल करके। देखिए बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। मैंने 2 मीडियम साइज़ के आलू लिए थे, इसे मैंने काट लिए थे। अब मैं इसे यखनी में शामिल करूँगी। देखिए अब मैं आलू को सॉफ़्ट होने तक के 15 मिनट के लिए ढाप के रख देती हूँ, जब तक कि आलू सॉफ़्ट हो जाए। तो मैंने 1/2 किलो चावल लिए हैं, इसको मैं भिगा के रख दूँगी 1/2 घंटे तक के। देखिए अब मैं कैप को हटा के चेक कर लेती हूँ कि आलू सॉफ़्ट हुए या नहीं। देखिए मैं आपको चेक करके बताती हूँ कि आलू सॉफ़्ट हुए या नहीं। देखिए बहुत ही मज़ेदार खुशबू आ रही है। देखिए आलू बिल्कुल सॉफ्ट हो चुके हैं। देखिए यखनी बिल्कुल तैयार है, गोश्त भी गल चुका है, आलू भी सॉफ्ट हो चुके हैं। अब मैं इसमें चावल ऐड कर देती हूँ। देखिए मैंने इसमें चावल ऐड कर दिए हैं, अभी मैंने इसमें पानी शामिल नहीं करा है। चूल्हा मैंने हाई फ्लेम पे कर दिया है, हाई फ्लेम पे इसे हम 5 मिनट तक के पकाएंगे। ठीक है मैं तेज़ आंच पे 5 मिनट तक के ढाप के रख दूँगी भाप आने तक। देखिए कैप हटा के देखती हूँ अब मैं, पानी खुश्क हो गया है थोड़ा, इसको चिपकने नहीं देंगे। चम्मच चला के देख लेती हूँ कि चिपक तो नहीं रहे चावल। ठीक है अब मैं इसमें थोड़ी प्याज शामिल करूँगी, दम पे थोड़ी प्याज शामिल करेंगे, थोड़ा धनिया पुदीना हरी मिर्च शामिल करेंगे जो मैंने हाफ दम के लिए रख दिया था। अब इसको मैं मिक्स कर लूँगी। देखिए थोड़ा पानी कम हो गया, इसलिए अब मैं इसमें 1 गिलास पानी शामिल करूँगी। अब मैं इसे 10 मिनट तक के लो फ्लेम पे ढाप के रख दूँगी दम पे। देखिए 10 मिनट हो चुके हैं, बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। अब मैं आपको चेक करके बताती हूँ चावल सॉफ्ट हुए या नहीं। देखिए चावल भी बिल्कुल सॉफ्ट हो चुके हैं, बहुत ही मज़ेदार तहारी बनी है। मैं फ्लेम बंद कर देती हूँ और आपको डिश ऑफ करके बताती हूँ।
मज़ेदार सी आलू गोश्त की तहारी तैयार है। बहुत ही मज़ेदार बनी है, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनी है तहारी। इसको आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा और रवास वाले गोश्त की ट्राई करिएगा, क्योंकि रवास वाले गोश्त की बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है। आप लोग को बहुत मज़ा आएगा खाने में। और अगर आप लोग ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है, ऐसे ही और मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा, उससे आपको मेरी हर नई वीडियो की अपडेट्स मिलती रहेगी। मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, दुआ में याद रखिएगा। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक्स फॉर वॉचिंग।